Hello, good morning everyone. I hope all are doing well and healthy. Today I'm going to start with YSTR. In last class I completed about the PCR. So directly come to the point. YSTR क्या होता है? YSTR एक हमारा another tool है जो कि DNA analysis के लिए हमारे काम आता है. इसके अंदर एक ability है जो हमारे sequential tandem repeat होते हैं वो Y chromosome को locate कर लेते हैं. उनके अंदर अच्छी capacity होता है. But इससे हमारे कुछ और भी फायदे हैं. वो मैं आपको बताने से पहले थोड़ी सी बता दूंगी. एबिलिटी टू टाइप एसटीआर लोकेट ऑन वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम से हम लोकेट कर सकते हैं विच इज अ मेल स्पेसिफिक. ये सिर्फ मेल स्पेसिफिक है. ये वुमेन फीमेल से इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता. आज तक मोर देन 20 डिफरेंट YSTR मार्कर हैव बीन आइडेंटिफाइड. 20 डिफरेंट YSTR मार्कर अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं. YSTR विल प्रूव यूजफुल व्हेन मल्टीपल मेल आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल असोल्ट. YSTR जब यूजफुल होते हैं जब बहुत सारे मल्टीपल मेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक सेक्सुअल असोल्ट के अंदर तो हमारे इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है. जैसे कि मैंने बताया था इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता फीमेल के लिए. कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन ये शो नहीं करता. अब लाइक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. कोई क्राइम सीन हैपन हुआ है वहाँ पे एक लेडी के पास वेजिनल स्वैब में दो मेल के सीमन मिले हैं तो जो हमारी एसटीआर टाइपिंग होती है वो शो करेगी फोर बैंड्स फॉर टू मेल. एक मेल के लिए टू बैंड और दूसरे के लिए भी टू बैंड तो टोटल फोर बैंड कर दिया. प्लस पॉसिबली अनदर डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम द फीमेल थ्रू स्किन सेल ऑन द वेजिनल वेजिनल वॉल. जो वेजिनल वॉल के स्किन सेल से मिलेंगे उसका भी एक अलग से डीएनए प्रोफाइल शो करेंगे जो कि मिक्सअप हो सकते हैं. तो द रिजल्ट डीएनए पैटर्न वुड बी ओवरली कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए. पर जो हमारे YSTR होता है वो वाई क्रोमोसोम जो फोकसिंग करता है सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे. तो वाई एस्ट्रायस के एनालिसिस से हमें अगर वहाँ पे दो मेल हैं दो लोगों के डीएनए वाई एस्ट्रायस प्रेजेंट है तो वो दो ही बैंड देगा वो उसके चार नहीं देगा. अगर वहाँ पे चार लोग हैं चार लोगों का सीमेन है तो वो चार बैंड देगा वन फॉर ईच मेल. तो वो डिफाइन कर रहा है कि हाँ ये इस बंदे का ये पर्टिकुलर इस बंदे का ये पर्टिकुलर इस बंदे का. बस इसमें भी थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मैं आपको बता दूं. इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं यही है कि लाइक वाई डीएनए इसने वाई एसटीआर वाई क्रोमोसोम को इसने डिफाइन कर दिया. पर वाई क्रोमोसोम से अगर हमें पता चल गया किसी फैमिली के मेंबर से वो सेम मेंबर उसी प्राइम में इन्वॉल्व है तो उन दोनों का जो जो हमारा वाई क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा. तो इस चीज में थोड़ा सा हमें डाउटफुल हो जाता है कि किसने इन्वॉल्वमेंट है. अगर दो ब्रदर्स हैं एक बड़ा है एक छोटा है पर बड़ा प्राइम में इन्वॉल्व है बट बाद में हमने छोटे वाले के साथ मैच कर लिया उससे भी मैच हो गया और बड़े से मैच हो गया तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बताना कि किसका है. इसलिए दूसरा भी हम कर लेते हैं एसटीआर. बट वाई एसटीआर के हमारे यही फायदे हैं कि हर एक पर्टिकुलर इंसान का एक एक बैंड देता है ये एक्स्ट्रा नहीं बताता है. ये मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है. अब डीएनए टैंडम रिपीट्स क्या होते हैं. Genetics discovered that portion of DNA molecule contains sequence of bases that are repeated numerous times. Genetics जो होते हैं जिन्होंने discover किया जो DNA molecule होता है वो एक sequence of bases को रखता है जो कि बहुत ज़्यादा time numerous time repeated होते हैं जिसको हम tandem repeat बोलते हैं और 10 बार 20 बार 30 बार जो होते हैं. ये 30% of the human genome is composed of repeating segment of DNA. जो हमारा 30% के लगभग जो होता है वो ह्यूमन जीनोम कंपोज करता है रिपीटिंग सेगमेंट को डीएनए के. टैंडम रिपीट सीम्स टू एक्ट एज अ फिलर और स्पेसर. जो भी गैप होता है हमारे डीएनए के अंदर उसके अंदर फिलर और स्पेसर का काम करता है हमारा टैंडम रिपीट. बिटवीन द कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए दे डोंट कंट्रोल एनी जेनेटिक फंक्शन और आउटवर्ड अपीयरेंस. ये कुछ भी कंट्रोल नहीं करते एनी जेनेटिक फंक्शन और आउटवर्ड क्योंकि ये एज अ फिलर का काम कर रहा है. इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कोई भी फंक्शन नहीं है कोई भी अपीयरेंस नहीं है उस डीएनए का तो ये कुछ कंट्रोल नहीं करते. ये सिर्फ फिलर का काम करते हैं हमारे टैंडम रिपीट. जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट दिस टैंडम रिपीट ऑफर्स अ मीन ऑफ डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर थ्रू डीएनए टाइपिंग. ये जो टैंडम रिपीट्स होते हैं ये डिस्टिंग्विश कर देते हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल की डीएनए टाइपिंग में. इसका ये हमारा फोरेंसिक के लिए बेनिफिट होता है. ए डीएनए सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिपीटिंग डीएनए यूनिट इन द इलस्ट्रेशन. जो डीएनए सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिपीटिंग डीएनए इन द इलस्ट्रेशन द 15 बेस स्कोर कैन रिपीट इटसेल्फ 100 ऑफ टाइम. जो 15 बेस स्कोर है वो 100 ऑफ टाइम भी करते हैं. द एंटायर डीएनए सेगमेंट टिपिकली 100 टू 1000 ऑफ बेस लॉन्ग बन सकते हैं. लाइक अब ये जो हमारे टैंडम्स है
ये ऐसे अगर इसके अंदर ये 10 नंबर रिपीट एज अ फिलर काम कर रहे हैं, तो इसमें भी यही होंगे, इसमें भी यही होंगे, इसमें भी होंगे। दिस 10 नंबर रिपीट कैन बी विजुअलाइज एज अ स्ट्रिंग ऑफ कनेक्टेड बॉक्स, एक बॉक्स की तरह, कनेक्टेड बॉक्स की तरह हमें इजिली पता चल जाती है। सेम सिक्वेंस इन कोन ऑब्वियस डीएनए बेस ये हमारे बता देते हैं, एज अ फिलर काम करते हैं। बट ये आप याद रखना, एज अ फिलर एज अ स्पेशल, बट इसका बहुत अच्छा काम ये है कि डिस्टिंग्विश कर देते हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के डीएनए टाइपिंग से। अब हमारी आर एफ एल पी है, पीसीआर है इसमें, चलो आर एफ एल पी भी हम इसमें कवरअप करते हैं। अब अंटिल द मिड 1990s टैंडम रिपीट नोन एज, जो टैंडम रिपीट को हम क्या कहते हैं, मिड 1990s तक रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज वेयर द फोकस ऑफ फॉरेंसिक डीएनए साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा डीएनए साइंटिस्ट का इसमें ही फोकस होता था। जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, आर लेंथ डिफरेंस एसोसिएटेड विद रिलेटिवली लॉन्ग रिपीटेड डीएनए स्ट्रैंड एंड फॉर्म द बेसिस फॉर वन ऑफ द फर्स्ट डीएनए टाइपिंग, जो इसकी लेंथ रिफरेंस करता है, एसोसिएट कर देता है लॉन्ग रिपीटिंग डीएनए स्ट्रैंड को, उससे फॉर्म करता है बेसिस फॉर वन ऑफ द फर्स्ट डीएनए टाइपिंग प्रोसेस। पीसीआर अल्टीमेटली रिप्लेस्ड आरएफएलपी, आज के टाइम में हम पीसीआर यूज करते हैं, इसलिए आरएफएलपी को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि इसमें ज्यादा डीएनए की जरूरत थी हमें, पीसीआर में माइन्यूट से ही हो जाता है। तो बहुत सारे इसके वो है डिफरेंशिएट जो कि हम आगे पढ़ेंगे। टिपिकली एक कोर सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 15 टू 35 बेसिस इन लेंथ, एक जो कोर सीक्वेंस होती है 15 से लेकर 35 बेसिस को इन लेंथ में, एंड रिपीट इटसेल्फ अप टू 1000 टाइम, मतलब 1000 से ज्यादा टाइम। मैंने बताया 10 नंबर का क्या काम होता है, रिपीट कर रहे हैं। दिस रिपीटिंग आर कट आउट ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स वाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो रिपीटिंग को हम कट कर देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, दैट एक्ट लाइक अ पेयर ऑफ सीजर, फिर वो पेयर ऑफ सीजर की तरह एक्ट करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है हमारा, रिपीट यूनिट्स को कट कर देता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम ऐसा कहते भी हैं कि एक पेयर ऑफ सीजर्स का भी काम करते हैं। द रिजल्टिंग फ्रेगमेंट आर सॉर्टेड बाय इलेक्ट्रोफोर्सेस, जो भी रिजल्टिंग फ्रेगमेंट होते हैं वो सॉर्टेड हो जाते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस से बाद में। मॉलिक्यूल माइग्रेटिंग ऑन अ स्पॉटिंग मीडियम, जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस हम बोलते हैं, एसपीएस हो गया, पेज हो गया, ये सारी हमारे इसके अंदर आते हैं। व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बहुत सारे तीन तरह के टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से होते हैं। अब ये हमारे जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, इसमें जेल इसके अंदर कम्प्लीटली फिली होती है, इसके अंदर हम अपना डीएनए सैंपल डाल देते हैं, फिर वो रन करके बता देती है कहाँ पे क्या है, डायरेक्शन इसकी इस पर जा रही है, सेल वॉल के अंदर वो डल चुका है, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारे पॉजिटिव है, ये हमारे अब दिखा रहे हैं, ये डीएनए फ्रेगमेंट है इतना मोटा सा, ये हमारा हैवीएस्ट फ्रेगमेंट है जो इतना पीछे रह गया, मूव स्लो कर रहा है, ये हमारा लाइटेस्ट फ्रेगमेंट है जो इतनी आगे आ गया है, और बीच में जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, ये सारे के सारे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट को बताता है, एक नंबरिंग की तरह हमें दे देता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब पीसीआर एंड आरएफएलपी, ये हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताती हूँ। आई होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर अपकमिंग वीडियोज़।